हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज 26 फरवरी 2019 वार मंगलवार के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, इसके अलावा यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। जेपी नड्डा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनॉग्रेटेड द फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट इन न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ रविशंकर प्रसाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिप्लॉय स्पेशली ट्रेंड डॉग्स टू चेक स्मगलिंग ऑफ लिकर विच कंटिन्यूज टू टेक प्लेस इन स्पाइट ऑफ द टोटल बैन इम्पोज्ड इन द स्टेट फॉर द लास्ट 3 years। 20 लिकर ट्रैकर डॉग्स वर ट्रेंड रिजियसली फॉर 9 months इन हैदराबाद तेलंगाना। बिहार शराब की तस्करी की जांच के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार में शराब की तस्करी पिछले 3 वर्षों से राज्य में लगाए गए कुल प्रतिबंध के बावजूद जारी है। हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में 9 महीनों के लिए 20 शराब ट्रैकर कुत्तों को सख्ती से प्रशिक्षित किया गया था। नेक्स्ट, तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट ए सेकेंड कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थुतुकुड़ी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। तमिलनाडु थुतुकुड़ी में दूसरा तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका पहला मुख्यालय चेन्नई है। नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्चेज रेल दृष्टि डैशबोर्ड इन न्यू दिल्ली। द डैशबोर्ड हैज बीन लॉन्च टू कीप पीपल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क गोइंग ऑन इन द रेलवेज अक्रॉस द कंट्री। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया। देशभर में रेलवे में चल रहे कार्य के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। जिम्बाब्वे स्टार्टेड टू ट्रेड इट्स न्यू करेंसी द आरटीजीएस डॉलर टू डेज आफ्टर द सेंट्रल बैंक अनाउंस्ड मेजर्स टू ट्राई एंड रिजॉल्व ए क्रॉनिक मॉनेटरी क्राइसिस। द न्यू करेंसी रिप्लेसेस इलेक्ट्रॉनिक बैंक सेविंग कॉल्ड डिजिटल डॉलर्स एंड द बॉन्ड नोट्स एंड वाज नेम्ड आफ्टर द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम दैट बैंक्स यूज्ड टू ट्रांसफर मनी बिटवीन ईच अदर। जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा आरटीजीएस डॉलर में व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह केंद्रीय बैंक के एक मौद्रिक संकट के प्रयास और इसे हल करने के उपायों की घोषणा करने के 2 दिन बाद किया गया है। नई मुद्रा डिजिटल डॉलर और बॉन्ड नोट्स नामक इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक बचत का स्थान लेगी और इसका नाम वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के नाम पर रखा गया है, जो बैंक एक दूसरे के बीच धन हस्तांतरित करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यूएन वुमेन एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी लॉन्चेज न्यू सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन कॉल्ड वुमेन्स लिवलीहुड बॉन्ड्स विद एन इनिशियल कॉर्प्स ऑफ 300 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन
और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 300 करोड़ रुपए की शुरुआती कॉर्पस के साथ विमेन लाइवहुड बॉन्ड्स नामक विशेष रूप से महिलाओं के लिए नए सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज हैज बीन इन्वाइटेड टू डिलीवर एन एड्रेस एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC इन अबू धाबी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ए लीडर ऑफ द नॉन मुस्लिम कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड टू द OIS कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह पहली बार है कि गैर मुस्लिम देश के एक नेता को OIC सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव फॉर SPD फॉर ऑर्डरिंग द पेंटागॉन टू एस्टेब्लिश द स्पेस फोर्स एज द 6th ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री टू गो अलोंग विद द आर्मी नेवी एयरफोर्स मरीन्स एंड कोस्ट गार्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड एक्सटेंड अमेरिकन डोमिनेंस ऑफ द स्पेस डोमेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन और तट और अंतरिक्ष डोमेन के अमेरिकी प्रभुत्व को सुरक्षित और विस्तारित करने के लिए कोस्ट गार्ड के साथ जाने के लिए पेंटागन को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की 6वीं शाखा के रूप में स्थापित करने का आदेश अंतरिक्ष नीति निर्देश 4 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, थाईलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स होस्टेड द एनुअल कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑफ इट्स टाइप इन द एशिया पैसिफिक रीजन विद 29 नेशंस टेकिंग पार्ट एज पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स अपार्ट फ्रॉम द 2 कंट्रीज 7 कंट्रीज हु पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज वर इंडिया, सिंगापुर, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ कोरिया। थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रकार की सबसे बड़ी गतिविधि वार्षिक कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। इसमें 29 राज्य राष्ट्रीय भागीदारी परीक्षक के रूप में भाग लेते हैं। 2 देशों के अलावा अभ्यास में भाग लेने वाले 7 देशों में भारत, सिंगापुर, जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण कोरिया शामिल थे। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। द एशियन हॉकी फेडरेशन हैज ऑनर्ड इंडियन स्कीपर मनप्रीत सिंह विद द 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। वुमेन्स टीम स्ट्राइकर लाल रेमेन इसेनी हैज बैग्ड द राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर प्राइज। एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह को 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। महिला टीम की स्ट्राइकर लाल रे मिसी आमी ने राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, अर्थव्यवस्था समाचार। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST काउंसिल मेट फॉर इट्स 33 मीटिंग एंड स्लैश्ड GST रेट ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड द अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। The revised rates will be applicable for April 1, 2019. The decision was based on recommendations of a ministerial panel headed by Gujarat Deputy Chief Minister Nitin Patel. माल और सेवा कर GST परिषद ने अपनी 33वीं बैठक के लिए मुलाकात की और निर्माणाधीन आवासीय संपत्ति और सस्ती बिजली परियोजनाओं पर GST दर को घटाया। संशोधित दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। यह फैसला गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले एक मंत्री स्तरीय पैनल की सिफारिशों पर आधारित था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स, करंट न्यूज, और जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब UV कंपटीशन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अकेडमी ऐप। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।